इंदौर के वार्ड क्रमांक 15 विद्या पैलेस कॉलोनी में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आयोजक शहर कांग्रेस महामंत्री स्वप्निल शुक्ला और सुभाष सुने ने बताया कि कथावाचक परम पूज्य सर्वेश्वरी देवी जी के मुखारविंद से भागवत कथा को सुनने के लिए विद्या पैलेस और आसपास के कई कॉलोनियों के और महिला और बुजुर्ग कथा श्रवण करने आ रहे हैं। वहीं परम पूज्य देवी जी के मुखारविंद से भजनों पर नाचते झूमते नजर आए। कितने सालों से आयोजन हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पे लोग आ रहे हैं? यहाँ पर विद्या पैलेस कॉलोनी वार्ड 15 में यहाँ पर ये पहला आयोजन है। सालों से भागवत कथा नहीं हुई थी, पर हम मैं गुड्डू भैया सभी मित्रों और यहाँ के कॉलोनी के लोगों के मन में एक विचार आया कि क्यों ना भागवत जी का आयोजन रखा जाए। तो फिर माननीय देवी जी से हमारा संपर्क हुआ, गुरु जी से संपर्क हुआ। संपर्क होने के बाद इस इतने बड़े आयोजन को हम कर रहे हैं। सुभाष सुनेर ठीक है। गुड्डू भैया किस तरीके से आयोजन चल रहा है यहाँ पर, क्या क्या प्रसाद वितरण और उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें? हमारे यहाँ पे ओंकारेश्वर से पधारी विश्व प्रसिद्ध कथावाचक श्री सर्वेश्वरी देवी जी के मुखारविंद से 7 दिवसीय श्री भागवत महापुराण का वाचन हो रहा है। और काफ़ी समय से हम लोग एक संकटग्रस्त माहौल में रहे। कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने तो काफ़ी प्रयास करा इस कॉलोनी में, पूरे वार्ड 15 के अंदर लॉकडाउन में राशन और सब कुछ जो देख सकते हैं आप, सैनिटाइज़र। अब रही धर्म की बात, लोगों का बेमतलब लोगों में भय है, एक ऐसा वातावरण बन गया था क्या है। तो हमने सब लोगों के विचारधारा से कोरोना भगे और वापस भगवान पर अपन तो आस्था रखो, इस विचारधारा से आज देवी जी के मुखारविंद से आज ये आप देख रहे हैं 7 दिवसीय भागवत कथा के अंदर जो आपने देखा मातृशक्तियों का हुजूम और हर घर से कन्हैया का उतरण देवी जी के नेतृत्व में और मुखारविंद से जो आपने को सुनने को मिला और ये जीवंत दृश्य हुआ गोकुल बरसाना का, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत ऐतिहासिक पल रहा हम विद्या पैलेस वासियों के लिए। और मैं आप सभी लोगों से एक आशा और भी करना चाहूँगा कि हमारी श्री देवी जी, श्री बड़ी बहन सर्वेश्वरी देवी का अभी हरिद्वार कुंभ जो है उसके अंदर एक विशाल पंडाल लगेगा, उसके अंदर आने जाने वाले भक्तों की सेवा और भी तमाम तरीके की, जो प्रदेश में जाके एक इंसान को जो हर चीज़ की कमी महसूस होती है वो देवी जी के आश्रम में उस तरीके की होगी नहीं। तो देवी जी का भी आप लोग सभी लोग ध्यान रखें और देवी जी जो हमारे विद्या पैलेस में आई हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि हमारा अहोभाग्य है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। किस तरीके से लोगों का यहाँ पर कथा को लेकर प्यार आ रहे हैं लोग और कथा को सुन रहे हैं? यहाँ भागवत जी हो रही है, अपने सुभाष जी हैं, गुड्डू जी हैं, सभी के सुंदर प्रयास से यहाँ भागवत जी का सुंदर आयोजन हो रहा है और सभी भक्तों का यहाँ सुंदर भाव है भागवत श्रवण करने के लिए। सभी की अच्छी भावना है भागवत के प्रति। अभी तक तो लॉकडाउन लगा रहा, कोरोना के चलते लोग भयभीत रहे और अभी भी सावधानी की आवश्यकता है। यहाँ भी जो कथा हो रही है वो उसी हिसाब से हो रही है, सब अपनी अपनी सुरक्षा से यहाँ बैठे हुए हैं और यही भगवान से प्रार्थना है कि इन सत्कर्मों से इस देश में जो महामारी आई है, इस देश में
जो इतना बड़ा विघ्न आया है, भगवान से प्रार्थना है कि ये संकट शीघ्र से शीघ्र टले, बहुत जल्दी ये संकट समाप्त तो हो। और जिस तरह पहले हमारा ये देश चल रहा था धर्म की ओर, उसी तरह चलता रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपका नाम बताइए। सर्वेश्वरी देवी, ओंकारेश्वर। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।